नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तेज और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपर फास्ट बुलेटिन। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार का ऐलान, मुल्ला बरादर की अगुवाई में नई सरकार बनने को तैयार, शेर अब्बास स्टेनकजई को बनाया जा सकता है विदेश मंत्री। देखना यह भी होगा कि क्या पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और पूर्व मुख्य कार्यकारी डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला जैसे नेताओं को सरकार में शामिल किया जा सकता है या नहीं। इन दोनों नामों पर अभी पिक्चर साफ होनी बाकी है। देखना यह भी होगा कि क्या पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और पूर्व मुख्य कार्यकारी डॉक्टर अब्दुल्ला जैसे नेताओं को सरकार में शामिल किया जा सकता है या नहीं। इन दोनों नामों पर अभी पिक्चर साफ होनी बाकी है। टोक्यो पैरालंपिक में 11वें दिन भारत के लिए अच्छी खबर। टोक्यो पैरालंपिक में 11वें दिन भारत के लिए अच्छी खबर। शूटिंग में SH1 कैटेगरी के 50 मीटर एयर पिस्टल में मनीष नरवाल ने गोल्ड और सिंहराज अधाना ने सिल्वर मेडल जीता। इसके साथ ही टोक्यो में भारत के 17 मेडल हो जाएंगे। सुहास नोएडा के DM है, इससे पहले भी वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए मेडल जीत चुके हैं। दिल्ली में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो को 91वें स्थापना दिवस, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में हुए शामिल, कहा पुलिस 35,000 बलिदानों के साथ देश की सेवा में खड़ी है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने चेन्नई में पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि अभिनेत्री कंगना रनौत की थलाइवी फिल्म आने वाली है जो तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता पर आधारित है। सिरोही के सालगांव में अवैध रूप में बजरी परिवहन कर बेचैन एवं पत्थर खनन करने पर वन विभाग की कार्रवाई, लगातार परिवहन करने पर दो वाहनों को किया जब्त, अंधेरे का फायदा उठाकर वाहन चालक मौके से हुआ फरार। नागौर के कुचामन सिटी में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई, अवैध खनन कर चेजा पत्थर परिवहन करते हुए दो ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। 12 शहर में डांस क्लास चलाने वाले युवक के खिलाफ मामला दर्ज, नाबालिग लड़की के परिजनों ने जाति का कराया मामला दर्ज। 12 के छिपा बड़ौद में पूर्व विधायक करण सिंह राठौर ने की पदयात्रा, कई जगह हुआ स्वागत, प्रधानमंत्री के नाम दिया उपखंड अधिकारी को ज्ञापन। श्रीगंगानगर के घड़साना में किसानों ने भाजपा के नेतृत्व में जमकर विरोध प्रदर्शन, सरकार व प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद। नर्मदा पेयजल की मांग को लेकर भीनमाल में शहरवासियों ने निकाला मशाल जुलूस, मशाल जुलूस में सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए लोग। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष अमीन खान व चाइल्ड लाइन के प्रयासों ने की मिसाल पेश, जैसलमेर में नाबालिग को अपने देश नेपाल वापस भेजा परिजनों के पास, नेपाल से निकला श्रीराज भटकते भटकते पहुंचा था जैसलमेर। नागौर के पादुकला में उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा ने ली वैक्सीनेशन को सफल बनाने को लेकर बैठक, आमजन को लाभ मिलने की भूमिका को लेकर विशेष तैयारियों पर चर्चा। सीकर के वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ी भीड़, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आ सकती है दिक्कतें, शिक्षकों को नहीं आ रहा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, शहर के कई वैक्सीन सेंटरों पर भारी अव्यवस्थाओं का आलम। सीकर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के तहत जिला मुख्यालय पर हुआ फिट इंडिया फिटनेस 2.0 का आयोजन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने लिया आयोजन में भाग। जालौर पुलिस सेवा में सराहनीय कार्य करने वाले 3 जवानों को सम्मान, IG से 3 जवानों को मिला प्रमाण पत्र व DCP की ओर से मिला सम्मान।
झुंझुनू के नवलगढ़ में प्रशासन गांवों के संग अभियान की तैयारियां, जनप्रतिनिधियों अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक, कहा 10 सितंबर तक अपने कामों को कर ले सूचीबद्ध। झुंझुनू के मलसिसर में जिला प्रमुख हर्षनी कुलहरी ने बोला हमला, कहा मंडावा विधायक कर रही है तानाशाही, बिना निर्माण पूरे हुए उद्घाटन कर रही है विधायक, किसी को डरने की जरूरत नहीं, हम मिलकर जवाब देंगे। झुंझुनू के चिड़ावा में बिजली की बढ़ी दरों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पूर्व प्रधान भाजपा नेता कैलाश मेघवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन, कहा सरकार ने धोखा दिया, जनता सबक सिखाने को तैयार। झुंझुनू में ऑक्सीजन प्लांट को लेकर तैयारियां, सीएमएचओ ने बुलाई संस्था प्रभारियों की बैठक, डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर हैं झुंझुनू सीएमएचओ, प्लांट्स को जल्द शुरू करने के दिए निर्देश। झुंझुनू में सवा घंटे में हुई 13 mm बारिश, लौटते मॉनसून से पछेती फसलों में आई जान, जिले भर में कहीं कम हो रही ज्यादा बारिश, कृषि विशेषज्ञों ने कहा बारिश से फसलों में आई जान। झुंझुनू के चिड़ावा में झुग्गी झोपड़ी में भोजन के पैकेट बांटे, लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट ने बांटे पैकेट, जिला प्रमुख राधेश्याम सुखाड़िया रहे मौजूद, कहा पूरे जिले में किया गया है सेवा कार्य। झुंझुनू के पिलानी में दुष्कर्म पर बन रही शॉर्ट फिल्म की शूटिंग, पिलानी में फिल्माए गए कई सीन, कृतिका श्रेयांश और दर्शिल ने दिए सीन, तीनों बच्चों पर फिल्माए गए सीन। नागौर के कुचामन सिटी में महिलाओं ने किया बच्छ बारिश की पूजा अर्चना, पुत्र के दीर्घायु होने की मंगल कामना के साथ ही बच्छ बारिश की कथा कहानी सुनाई, परिवार की खुशहाली, पुत्र व गौवंश रक्षा की कामना को लेकर भीलवाड़ा जिले में बच्छ बारिश का पर्व मनाया गया, जिसमें विभिन्न स्थानों पर गाय व बछड़ा बछड़ी की पूजा की गई, अधिकांश घरों में मक्का व चने के भोजन भी बने। राजसमंद में बच्छ बारिश पर्व पर महिलाओं ने की गाय और बछड़े की पूजा अर्चना, महिलाओं ने संतान की सलामती और परिवार की खुशहाली के लिए किया व्रत। राजसमंद के कुवारिया के बड़े चारभुजानाथ मंदिर में 24 घंटे की अखंड राम धुन का शुभारंभ, विशेष मंत्रोच्चार के साथ मंदिर परिसर पर विभिन्न प्रकार के हुए अनुष्ठान। फिलहाल एवन तेज में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवन टीवी, नमस्कार।